नमस्कार, आज हम आए हुए हैं गोवर्धन विधानसभा के सकरवा गांव में प्रधान जी से बात करने के लिए विकास के मामले। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिए। मैं ग्राम प्रधान सकरवा से, नाम रंजन सिंह जी। आपको इस पद पर कितना टाइम हो चुका है? अभी एक साल के समथिंग हो गया। लगभग एक साल हो चुकी है जी। जो आपका पंचायत का चुनाव हुआ था, जो आपके साथ कांटे की टक्कर किसके साथ हुई थी? अपने गिरधारी यादव जी हैं, उनके साथ हुई थी। आपको कितने वोट मिले थे? हमें मिले थे 851 वोट। उनको करीब 450 के आसपास। 450 आपके टोटल वार्ड की संख्या कितनी होगी जी? पंचायत की लगभग हमारे गांव की 3000 के आसपास वोटिंग है जी, और उसमें से करीब 2200 के समथिंग वोटिंग हुई थी। 2200 होगी जी। टोटली कितनी होगी टोटल? छोटे से बड़ा तक लगभग हमारे गांव की जनसंख्या करीब 5 से 6 हज़ार। 5 से 6 हज़ार ये सकरवा गांव होता है कि इसके अलावा और कोई भी गांव है आपके? हमारे गांव में तो सकरवा पंचायत लगती है, उसके साथ में एक कंचनपुरा छोटा सा एक नगला है, वो भी लगता है। तो आपके पास एक साल हो चुके, टोटल कितना पैसा आ चुका अभी तक? लगभग हमारे गाँव में करीब 30 लाख के आसपास। 30 लाख जी। आपने क्या क्या कार्य कराए अभी तक? कार्य तो हमने बहुत आगे तक करा दिए हैं। उसमें विकास कार्यों में हमने करीब शमशान का सौंदर्यकरण करा है जी, और गलियों के खरंजे वगैरह और लाइटों की व्यवस्था और शौचालय वगैरह और अपना पंचायत घर सभी में हमने कार्य कराए, और अपने सरकारी स्कूल में भी हमने डेंट पेंटिंग भी कराया। ये सारे कार्य कराए। उसमें रंग पेंटिंग कराई थी और अभी एक हमारे कंचनपुरा में स्कूल है, उसमें कार्य चलने वाला है। उसमें कैसा कार्य चल रहा है अभी? उसमें अभी 2-4 दिन के अंदर मैंने प्रस्ताव दे दिया है, उसमें एक छत बनेगी और भी कार्य उसमें डेंट पेंटिंग भी। आंगनबाड़ी के अंदर है? आंगनबाड़ी है। उनके क्या हाल? उनकी भी एकदम सही चल रहा है कार्य। अपने समय समय से अपनी ऑफिस आकर के मीटिंग भी करती है वो जी, और गांव में जो सुविधाएं गवर्नमेंट से मिलती हैं उनको अच्छे तरीके से मिलती है। बच्चों के लिए राशन आता है, उनके पोषण कार्य के लिए जो राशन आता है उनको समय समय से वितरित करती है सभी समय से। और जो गर्भवती महिलाओं के लिए राशन आता है वो? हाँ, गर्भवतियों के लिए जो राशन आता है उसमें जो राशन आता है मैं अपनी देख रेख में उसको बंटवाता हूँ। उसमें क्या क्या राशन आता है? उसमें राशन में दाल भी आती है और उसमें घी भी आता है और उसमें आटा वगैरह और कुछ पोषण तत्व के सामग्री भी आती है। उसमें दाल है और आटा है, चावल है और उसमें कुछ घी भी वगैरह ये सब चीज़ें। अभी आपने कुछ खरंजे नालियाँ से कुछ करवाए हैं अभी तक? हाँ, अभी भी कार्य चल रहा है गाँव में, नालियों का कार्य चल रहा है, खरंजे का कार्य चल रहा है। खरंजे आपने कितने मीटर बनवा चुके हैं अभी तक टोटल? खरंजा टोटल लगभग RCC कम से कम 600-700 मीटर के आसपास तो RCC हो चुका है और कम से कम 400-500 मीटर के पास इंटरलॉकिंग हो चुकी है जी। मनरेगा से कुछ कार्य कराए गए? हाँ, मनरेगा से मैंने काफ़ी रास्तों पे मिट्टी वगैरह डलवा करके मनरेगा का कार्य चल रहा है जी। और अब फिलहाल में 2 तालाबों का कार्य चल रहा है, एक में से पानी की खिंचाई चल रही है और दूसरे में खुदाई का कार्य चल रहा है। आपके यहाँ पानी की व्यवस्था कैसी है? पानी की व्यवस्था एकदम सही है, हमारे गाँव का पानी वैसे भी मीठा है और हमने टंकियों का पानी चालू करा रखा है और टंकियों का पानी हर घर में पहुंच रहा है सब समय से जी। और लाइट की व्यवस्था कैसी है? लाइट की व्यवस्था एकदम सही चल रही है और मैंने अपनी तरफ से सारे खम्भों पर अपनी तरफ से होंडा लाइटों की व्यवस्था कर दी है। स्ट्रीट लाइट लगवाई है खंभे वाली जो अभी? हाँ, पैनल वाली लग रही है। वो पैनल वाली लाइट हमारी तरफ से सांसद निधि से भी लगी थी जी, वो भी लग चुकी है और वैसे भी लाइट लगवा चुकी है अभी तक? मैं करीब खम्भों पर 50 लाइट लगवा चुका हूँ। वो वाली पैनल वाली लाइट तो अभी एक ही लगी। वो कहाँ पर? पंचायत घर में या फिर चौराहे? हाँ, वो हमारा एक मंदिर प्रचार राधा कृष्ण जी उसमें जी। इसके अलावा और कुछ कार्य है? और आगे के लिए जैसे जैसे पैसा आएगा गवर्नमेंट भेजेगी जी विकास कार्यों के लिए और पे तत्पर रहेंगे जी। आपने उस पेंशन बनवाई है जी? पेंशन का कार्य यह है कि हमारा वैसे तो करीब एक साल के अंदर 20 से 25 पेंशनों का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन की समथिंग में बनवा चुका हूँ और मैंने एक अब कैंप के लिए आय वगैरह का कार्य चल रहा है उसमें जी, वो उसकी सहायक जो बना हुआ है वो वहाँ का कार्य संभाल रहा है जी। अच्छे तरीके से आपके यहाँ राशन डीलर हैं? बिल्कुल हैं। उनके क्या हाल है? कैसा राशन? बिल्कुल सही है। उनसे अगर कोई शिकायत होती तो गाँव वाले मुझे शिकायत की वहाँ मेरे पास लेके पहुँचते शिकायत राशन वालों की डीलरों की, लेकिन मुझे लगता है कोई शिकायत है नहीं उनकी, अगर शिकायत होती तो मेरे पास जरूर सूचना। बीजेपी सरकार से कोई मांग या शिकायत या सुझाव?
ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बीजेपी की सरकार अपनी जगह पे सही कार्य कर रही है। हमारे तो बस योगी जी से यही निवेदन है कि हमारे कंचनपुरा गांव में खारे पानी की समस्या है, थोड़ा उस पानी की समस्या को सॉल्व करा दें। हमारे थोड़ा करीब 1 किलोमीटर दूर मीठा पानी है, वहाँ से एक बोरिंग करा कर एक लाइन लगवा दें जिससे हमारे ग्रामवासियों को मीठा पानी मिल सके। आपने ऐसा कोई लेटर दिया है ऊपर? अभी तो लेटर ऐसा दिया नहीं है, पर लेकिन हमने हमारे नए विधायक जी हुए हैं उनसे हमने प्रार्थना पत्र दिया है। उनकी कितना टाइम पहले दिया था? अभी दिया है 15 दिन पहले, उनकी एक सभा हुई थी उसमें दिया। उसके अलावा कुछ मांग गया? और तो ऐसे कुछ नहीं है, सारा कार्य सही तरीके से चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक ही कार्य हो जाए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।